भयंकर ताकत भर देगा ये अनाज। ये अनाज खाएं 100 साल तक कैल्शियम की कमी नहीं होगी। हाथ दर्द, पैर दर्द, जोड़ दर्द, कमर दर्द, खून की कमी और शरीर की कमजोरी आपको कभी नहीं होगी। 3 दिन में ही आपको फर्क दिख जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी अनाज के सेवन की विधि के बारे में बताएंगे जो आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपके पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाने का काम करेगा। दोस्तों, यदि आप इस अनाज का सेवन लगातार करेंगे तब आपको इसके सेवन के 3रे दिन से ही अपने शरीर में फर्क दिख जाएगा। आपका शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव और फुर्तीला आपको फील होगा। दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं होगी। यदि पहले से कोई कमजोरी है तो वो भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस अनाज को खाने से आपको अगले 100 साल तक कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके हाथ दर्द, पैर दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे, कमर और हाथ का दर्द भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा है ये चमत्कारी अनाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस अनाज की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों खसखस। और दोस्तों, शरीर के लिए खसखस के बहुत सारे फायदे हैं। इसका इस्तेमाल कब्ज जैसी समस्या से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, छोटे छोटे बीजों वाला यह खाद्य पदार्थ कैलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम व फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य से लेकर त्वचा और बालों के लिए भी किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस खसखस वाले अनाज को खाने के फायदे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इसका सेवन सही तरीके से करना कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं इससे होने वाले चमत्कारी फायदों के बारे में। पाचन को करता है मजबूत। दोस्तों, यदि आप इस अनाज का सेवन हर रोज करेंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बन जाएगा। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तब आपको पेट का कोई भी रोग नहीं होगा। आपको ना तो कभी कब्ज होगी, ना गैस होगी और ना ही ये एसिडिटी की समस्या होगी। और दोस्तों, इस कब्ज, गैस और एसिडिटी के कारण ही हमारे शरीर में 72 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। अनिद्रा। दोस्तों, यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है और आप इस अनिद्रा की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये अनाज आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपकी इस अनिद्रा की बीमारी का बिल्कुल जड़ से इलाज करेगा। हड्डियों को मजबूत बनाना। दोस्तों, यदि आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं या आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है उसके कारण आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं तो दोस्तों तब भी ये अनाज आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। 100 सालों तक आपको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की हड्डियों को भी वज्र के समान मजबूत बना देगा। दिमाग को तेज। दोस्तों, ये खसखस दिमाग के लिए एक चमत्कारी औषधि है। यह कैल्शियम, आयरन और कॉपर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है जो दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम न्यूरोनल फंक्शन को संतुलित करने के साथ साथ हमारी याददाश्त को बढ़ाने का भी काम करता है। इम्यून पावर। दोस्तों, यदि आप इस अनाज का सेवन हर रोज करेंगे तो इससे आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बच रहेंगे। दिल के रोगों का इलाज। दोस्तों, यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको हार्ट ब्लॉकेज के आने का डर है या आपको हार्ट अटैक का डर है तब भी आपको इस अनाज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस अनाज के सेवन से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होगा तब आपको ना तो हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही आपको हार्ट अटैक आएगा। दोस्तों, इसमें मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड आपको सभी तरह के हृदय रोगों से बचाएगा। आंखों की रोशनी। दोस्तों, यदि आप इस अनाज का सेवन हर रोज करेंगे तब आपकी आंखों की रोशनी भी इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए एक बहुत कारगर नुस्खा है। हाथ दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कोई भी दर्द है, चाहे वो हाथ का दर्द हो, पैर का दर्द हो, जोड़ का दर्द हो, कमर का दर्द हो या घुटनों का दर्द ही क्यों ना हो, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान है और आपके इन सभी तरह के दर्द को
हरने का काम करेगा, आपके सभी तरह के दर्द का इलाज करेगा और आपको बिल्कुल ताकतवर और फौलादी बना देगा। दोस्तों इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी जिससे कि आपको कभी कोई भी हड्डियों का दर्द नहीं होगा। थायराइड रोग में फायदेमंद, दोस्तों खसखस में सेलेनियम होता है जो थायराइड फंक्शन को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हाइपो और हाइपर थायराइड के लक्षण समाप्त होते हैं। यानी थायराइड के रोगियों के लिए भी यह एक वरदान की तरह काम करता है। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी, दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है दोस्तों तब भी आपको इस अनाज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर है जो टाइप 2 डायबिटीज पर प्रभावी रूप से काम करता है और आपके इस शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको इसके बहुत तरह के रोगों से भी बचाता है जो डायबिटीज के कारण आपके शरीर में हो जाते हैं, क्योंकि खसखस मैग्नीशियम से भरपूर है और मैग्नीशियम की कमी मधुमेह बढ़ने का खतरा बढ़ा सकती है। तो दोस्तों आपको इस अनाज का सेवन हर रोज करना चाहिए। खून की कमी, दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की कमी है और आप अपने शरीर की खून की कमी का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपको इस खसखस का सेवन हर रोज करना चाहिए, क्योंकि ये खसखस आयरन से भरपूर है जो आपके शरीर में खून की कमी का इलाज करेगी और आपके शरीर की कमजोरी को भी बिल्कुल जड़ से खत्म करेगी। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता लग गया कि आपको इस खसखस का सेवन करना है जो आपके लिए एक चमत्कारी औषधि है, आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करती है। अब बात आती है कि इसका सेवन आपने करना कैसे है। दोस्तों इसको खाने के दो तरीके हैं जो सबसे बेस्ट हैं। पहले तो आप इसको एक गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दो और सुबह उस पानी को भी पी लो और उस खसखस को भी चबा चबा कर खा लो। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। और दूसरा तरीका है इसको दूध के साथ उबाल कर पीना। यानी आपने इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपने क्या करना है, एक बर्तन को आग पर रखना है और उसमें एक चम्मच गाय का घी डालना है, उस बर्तन में जैसे कि हमने डाला। अब इसमें आपने एक चम्मच खसखस मिलानी है और घी में उसको भून लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें एक गिलास दूध डालना है। अब आप उसमें अपने स्वाद के लिए मिश्री डालनी है और आपने इस दूध को तीन उबाल देने हैं। तीन उबाल देने के बाद आपने इस दूध को आग से उतार लेना है और बिना छाने इसका ऐसे ही सेवन करना है। यानी इस खसखस को लेने के ये दो तरीके सबसे बेस्ट हैं। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन करना आपको सुबह बासी मुंह है यानी सुबह खाली पेट बासी मुंह आपने इसका सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको तीसरे दिन से ही फर्क दिखाई देगा। दोस्तों आपके शरीर की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, आपको हाथ दर्द, पैर दर्द, जोड़ दर्द, कमर दर्द और घुटनों का दर्द नहीं होगा, खून की कमी जड़ से खत्म हो जाएगी, शरीर की कमजोरी का भी इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।